पहले के जमाने में एक जंगल में एक हिरन और कौवा बड़े अच्छे दोस्त थे। कौवे को जब भी कुछ अच्छी चीज मिलती थी खाने पे, वो उसे ला करके हिरन के साथ आके मिल बांट करके ही वो खाता था। हिरन भी ऐसे ही किया करती थी, जब भी उसे मिलता था वो भी आके कौवे को देती थी। इस दोस्ती को देख के आस पास में रहते सारे पशु पक्षी बहुत खुश थे। मगर उस जंगल में एक सियार रहता था जिसको उनकी दोस्ती पे बहुत जलन होती थी। वो सोचता था कि ऐसे कैसे दोस्ती है इनकी और मैं कैसे बिगाड़ू इनको। सिर्फ वही नहीं, वो जब रिष्ट पुष्ट हिरन को देखने लगा उसके मुंह में पानी टपकता था। कब मैं इसे खाऊंगा, ऐसा सोच के वो एक योजना बना रहा था कि कौवे और हिरन को अलग करने के लिए। वो बहुत जम के योजना बना रहा था। एक दिन वो जब बहुत जोर दिया दिमाग को, उसे एक फर्स्ट क्लास आइडिया आया कि कैसे इस हिरन को अलग करना है कौवे से। एक दिन हिरन जब घास खा रही थी तो सियार ने जाके उससे कहा, मेरे दोस्त, बहुत प्यार से बुलाया। हिरन ने जब मुड़ के देखा और पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? मैं बाजू वाला जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ शेर हाथी बहुत है, इसके अलावा वहाँ बहुत भयभीत वाला वातावरण है, मुझे बहुत डर लग रहा था वहाँ, क्या करूँगा कुछ समझ नहीं है, इसलिए मैं इस जंगल में आ गया। इस जंगल में मुझे कोई नहीं मालूम, तुम मेरा दोस्त बन सकते हो? ऐसे बहुत भोला बन के पूछा। सियार के हर बात को विश्वास की वो हिरण ने और उसे बहुत दया से देखा। फिर वो हिरण ने सियार को अपने साथ ले गई और अपने दोस्त कौवे से उसे मुलाकात करवाई। कौवे ने जब सियार को देखा, दोस्त, किसी अनजाने को आंख बंद करके विश्वास किया नहीं जा सकता, अगर हम इसको विश्वास करेंगे तो हमें धोखा देके चले जाएगा। ऐसे कौवे ने हिरण को चेतावनी दी तो हिरण ने बदले में कहा कौवे से, मेरे दोस्त, हमारी दोस्ती से पहले क्या हम एक दूसरे को जानते थे? मगर अब हमारी अच्छी दोस्ती है ना, ठीक उसी प्रकार हम इसे भी दोस्त बना सकते हैं। जब वो सामने से आके दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, हम इनकार नहीं कर सकते, वो उसे दुखी बना देगा। कौवे ने जब हिरण की इस बात को सुन ली, उसने कहा, दोस्त, हिरण को विश्वास नहीं किया जा सकता, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। ऐसे बहुत गुस्से में कहा, मगर कौवे की एक न सुनी हिरण ने और उसके साथ चल पड़ी और सियार के साथ अच्छी दोस्ती बनाई उस हिरण ने कुछ दिनों तक। कुछ समय बीत गया और एक दिन हिरण के पास आके सियार ने कहा, दोस्त, बिल्कुल पास में बाजरा का खेत है, यहाँ पे उस खेत में बाजरा का फसल बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा, तुम आराम से वहाँ जाके अच्छा से बाजरा खा के आ जाओ। ऐसे हिरण का प्रलोभन बढ़ाया उस सियार ने। सियार के इस बात को सुन के पास वाले खेती में रोज रात को जाने लगी हिरण और पेट भर दाने अनाज खाने लगी। बहुत दिनों से ये सब देख रहा था एक किसान उस खेत में, सोच रहा था कि ये अनाज का नुकसान कौन कर रहा है, इसको एक दिन पकड़ूंगा, ऐसा बोल के उसने एक जाल बिछाने की सोच ली। हमेशा की तरह जब वो हिरण आई खेत में अनाज खाने, वो जाल में फंस गई। वो हिरण जब सियार को देखी, पूरी कहानी उसे सुनाई और वो भीख मांगने लगी उसे रक्षा करने के लिए। माफ करना दोस्त, मुझे नहीं मालूम था यहाँ ऐसा होगा। ऐसे कह के वो जल्दी जल्दी चला गया और वहाँ एक बड़े पत्थर के पीछे छुप के सारा तमाशा देख रहा था। सियार के मन में ये ख्याल था कि किसान जब वो हिरण को पकड़ेगा, उसे मार के जान से मार देगा और उसके बाद उस हिरण के मांस को वो आराम से खा सकता है। इस बात को सोच के उस सियार के मुंह में पानी टपकने लगा। हिरण बहुत दुखी होके सोचने लगी, हाँ मुझे ये चाहिए चाहिए, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था कौवा, उसने मुझे चेतावनी दी मगर मैं एक न सुनी, इस सियार के साथ दोस्ती जो रख ली मैंने। इसी प्रकार रोते रोते शाम तक वो वहाँ बैठ रही थी। शाम तक जब हिरण न लौटी तो कौवा बहुत परेशान हो गया और उसे ढूंढने निकला। और कौवे ने रास्ते में देखा कि हिरण खेती में जाल में फंस चुकी थी। जल्दी जल्दी वो नीचे उतरा और उस हिरण से कौवे ने कहा, दोस्त, यहाँ पे क्या हुआ? तभी हिरण ने सारी उसकी कहानी बता दी कौवे को। ये सब सियार का ही चाल है, ऐसे कौवे को पता चल गया। तभी कौवे ने कहा हिरण से, दोस्त, तुम डरो नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, मर गया जैसा नाटक करो, मैं चोर छुपाने जैसा नाटक कर रहा हूँ,
वो किसान मर गया सोच लेगा तुम्हें, तुम्हारे ऊपर जो जाल है वो निकाल देगा, उसके बाद तुम कूद के भाग जाओ। ऐसे आइडिया दिया कौवे ने। दूर से जब सियार ने देखा कि उसे लगा कि हिरण मर गई और उस मांस को ये कौवा खा रहा है, ऐसी सोच के साथ वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था। उसे लगा उसे हिरण का मांस मिल गया और उसी समय वो किसान भी वहाँ आ पहुँचा और वहाँ उसने देखा कि सियार मर चुकी है जाल के अंदर। और जैसे ही उसने अपनी जाल उठा दी, हिरण वहाँ से भाग निकली। ये तो बुद्धि का काम था। कौवा भी तुरंत उड़ गया हवा में। इस सब देख के किसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और अपनी लाठी फेंकी हिरण की ओर उसे जान से मारने के लिए, मगर वो लाठी हिरण के बदले सियार को जाके चुप गया। घायल सियार तुरंत अपनी प्राण त्याग दिया। सियार ने बुरा सोचा, इसलिए उसे बदले में भी बुरा ही मिला। बच्चों याद रखना कि जब भी आप किसी की मदद करने जा रहे हो, उस इंसान उस काबिल है या नहीं वो पहले परख लेना चाहिए। सत्य निष्ठा वाली गाय। एक गांव में एक गाय हुआ करती थी। वो बहुत अच्छी थी, अन्य जानवरों के साथ जीवन बिताती थी। एक दिन जब अकेले वो जंगल में घास खा रही थी, एक बाघ की नजर उस पर पड़ी। एक तगड़े गाय को देखकर बाघ की भूख बढ़ गई और उसने उस पर हमला कर दिया। जब अपना पंजा उसके ऊपर डालने ही वाली थी तो गाय ने बाघ से कहा, थोड़ी देर रुको, मेरी बात जरा आराम से और श्रद्धा से सुनो। घर में मेरा एक बछड़ा है, उसके पैदा हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए, उसे अभी चारा खाना भी नहीं आता। मेरे यहाँ आने पर वो मेरा इंतजार करती रहती है। तुम अगर मुझ पर दया करोगे, उसको भरपेट दूध पिलाकर और दुनियादारी जैसी अच्छी बातें समझाकर वापस आती हूँ, उसके बाद मुझे खा लेना। कैसी मजेदार बात है, घर जाकर अपने बछड़े को दूध पिलाकर लौटोगे। मैं जंगल में रहता हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। एक बार वचन देने के बाद उस पर टिकी रहती हूँ। एक बात तो सच है, मृत्यु हर किसी को कभी न कभी प्राप्त होनी ही है। मैं समझूंगी कि मेरी मौत अभी आ गई है। तुम्हारी भूख को मिटाने के अलावा जिंदा रहकर मैं किसका उपकार कर सकती हूँ, मगर एक बात है, मुझे वैसे भी मौत से डर नहीं है। तुम्हारे पंजे के वार से ही मैंने मेरा जिंदा रहने पर भरोसा खो दिया, लेकिन मेरे मासूम बछड़े के बारे में सोचो। इस समय वो अभी मेरा इंतजार कर रही होगी। कल से वैसे भी उसे अपनी जिंदगी जीना है। मैं उसे अच्छा बुरा और दुनियादारी के बारे में समझा कर आती हूँ। लोगों के साथ मिलजुल कर जीने वाले जानवर हो तू, तुम्हारी बातों को कैसे मान ले। फिर भी ठीक है, तुम इतनी लाचार होकर पूछ रही हो, इसलिए तुम्हें एक मौका देती हूँ। गाँव में जीने वाले तुम जैसे जानवरों में कितनी ईमानदारी होती है, मैं भी देखना चाहता हूँ। तुम घर हो आओ। गाय फटाफट घर चली गई, बछड़े को भरपेट दूध पिलाई, उसके शरीर को प्यार से स्पर्श किया, भरी आंखों से इस प्रकार बोलने लगी, देखो बहोशियारी से जिंदगी बिताना, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना, भाईचारा निभाना, दिए गए वचन को निभाना, किसी भी परिस्थिति में झूठ का सहारा मत लेना, अच्छे बर्ताव से अच्छा नाम कमाना। इस तरह समझाकर बड़ी बेचैनी से जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में गाय का बेसब्री से इंतजार करते हुए बाघ ने जब दूर से गाय को आते हुए देखा, उसने सोचा, अरे यह गाय कितनी मन की सच्ची है, दिए गए वचन के अनुसार मुझे खाना देने के लिए वापस आ रही है। अपनी जान से ज्यादा इसे दिया हुआ वचन अधिक प्यारा है। ऐसे सत्य निष्ठावान को मारने से मुझे पाप तो लगेगा ही। गाय के पास आने से उसने कहा, तुम महान हो, सत्यनिष्ठ हो, दिए हुए वचन को निभाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए आ गए हो। तुम्हें मारने से मुझे महान पाप लगेगा। तुम्हें शक की नजर से देखने के लिए मुझे माफ कर देना। किसी और तरीके से मैं भूख मिटाऊंगा।
तुम घर जाओ। गाय खुशी से घर चली गई और अपने बछड़े के साथ सुखी रही। Hi kids, hope you like the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you.